हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे नया टॉपिक जो कि है लॉजिक गेट्स। सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकॉन भी दबाए। लॉजिक गेट्स। द लॉजिक गेट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच हैज़ वन और मेनी इनपुट्स बट ओनली वन आउटपुट। The output is expressed in terms of binary code 0 or 1. So logic gate क्या होता है? एक electronic circuit है जिसको multiple inputs होते हैं but output 1 होता है, मतलब एक ही output है और जो output है उसमें हमेशा 0 या 1 में ही हमें output मिलेगा, यानी कि binary output होगा। It can be constructed by using simple switches, relays, vacuum tubes, transistors or diodes. यहाँ पे एक representation है logic gate का जिसमें A और B तो दो inputs है और Y जो कि एक output है। अब logic gates में कुछ terms है वो हमें हमेशा याद रखनी है। So सबसे पहले है what is logic? Logic क्या होता है? It is the statement which gives condition for high output. Logic may be high or low, true or false, one or zero, etc. यानी कि अब ये जो different different logic gates होते हैं उन सब logic gates का एक statement होता है, यानी कि वो logic gate क्या करते हैं work वो एक statement में बताया जाता है। So उसको logic कहते हैं। वो लॉजिक जो होता है वो हाई और लो होता है, ट्रू और फॉल्स होता है, या फिर वन और ज़ीरो होता है। अब वो कैसे, वो हम जब गेट देखेंगे तब आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब सेकंड है ट्रूथ टेबल। इट इज़ द टेबल इन विच लॉजिक इज एक्सप्रेस्ड बाय टेकिंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड रिस्पेक्टिव आउटपुट्स। The number of possible combination in the truth table is given by 2^n. n यहाँ पे होता है inputs. So truth table basically क्या होता है कि जितने भी हमारे inputs है, अब यहाँ पे दो inputs है, so 2^2 यानी कि 4, तो 4 combinations हो जाएंगे 0 और 1 के। So 0 और 1 जो भी हमारी conditions होंगी, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा तो output क्या आएगा, यहाँ पे अगर 1 1 होगा तो output क्या आएगा, वो रिप्रेजेंट करता है ट्रूथ टेबल। यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशंस और उस कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट क्या है वो दिया हुआ होता है। बूलियन इक्वेशन। इट इज़ द मैथमेटिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग पर्टिकुलर गेट फॉर इनपुट एंड आउटपुट। सो ये एक इक्वेशन होता है अल्जेब्रिक इक्वेशन की तरह, जिसमें जो इनपुट्स है और उससे आउटपुट क्या आएगा उसके लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट या फिर एक क्या बोलते हैं फॉर्मूला बनाया हुआ होता है। सो उसको वो पर्टिकुलर गेट के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है वो हमें याद रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं बूलियन इक्वेशन। सिंबल। ईच गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉजिकल सिंबल। सो हर एक जैसे हर एक चीज़ के लिए कुछ नोटेशन होता है, वैसे हर एक गेट के लिए एक सिंबल है वो हमें याद रखना पड़ता है। पर्टिकुलर गेट के लिए पर्टिकुलर सिंबल, सो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो गेट कौन सा है। अब टाइप्स ऑफ गेट। सो यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं, एक तो है बेसिक गेट्स और दूसरे है डिराइव्ड गेट्स। सो बेसिक गेट्स में कौन से गेट आते हैं? और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। नॉट गेट को इन्वर्टर भी बोलते हैं। और ये जो बेसिक गेट्स हैं वो यूज़ करके कुछ नए गेट्स बनाए हैं, जैसे कि नॉर गेट, नैंड गेट, एक्स और गेट। सो ये इतने 6 गेट आपको याद रखने हैं। अब इसके डिटेल में इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज़ लॉजिक गेट। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप ज़रूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।